नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शामली में बतीसा खाप के गांव भैसावाल में मंत्री, विधायकों और अन्य बीजेपी नेताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद सांसद बालियान ने इसका आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया और क्या कुछ कहा आप सुनिए। भैसावाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वहाँ उनके परिवार द्वारा नारेबाजी की गई। 10-12 लोग थे परिवार के, बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसके बाद कल सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब मैं 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी था, कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना पड़ा। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई आगे भी होगी, चुनाव वे लोग पहले भी लड़े आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे, वक्त ना मुझे फ्रंट की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, चूंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की है, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की, हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की। लोकदल के नेता मौजूद थे वहीं पर, बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो वहाँ मौजूद थे। मेरे निकलते ही हत्तापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सोरम के संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाए। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, सोरम में पूर्व बालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए सोरम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए सोरम में, लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में सोरम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरा अपना है, इनके बहकाए में मत आइए।